मेरे मीडिया के भाइयों, मेरे उर्दू बोलने वाले भाइयों, पंजाबी बोलने वाले भाइयों, पश्तो और बलोची और सरायकी बोलने वाले भाइयों, मैं आपके पास ये पैगाम लेके आया हूँ और ये आपकी लाखों बहने और भाई ये पैगाम लेके आए हैं कि पाकिस्तान हमारा है, आप सबका है, उसकी तहफ़ उसकी बका की जंग आप सबको मुश्तरका तौर पर लड़नी है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये लाखों लोग जो कंदकोल से निकले हैं ये शिकायत भी लेके आए हैं, ये आपके पास एक इल्तिजा भी लेके आए हैं कि सिंध का पानी हमारे पास नहीं है, सिंध का कोयला छीन लिया गया, समर मुबारक के हवाले है। 1991 के अकॉर्ड के तहत पानी का फैसला जो उन्होंने खुद किया वो भी मंजूर नहीं है। सिंध को एनएफसी में रेवेन्यू जनरेशन के बुनियाद पे जो कुछ मिलना था वो नहीं मिल रहा। सिंध के तालिबे इल्मों को कराची में पढ़ने की इजाजत नहीं है। कायद अजम यूनिवर्सिटी में सिंध के तालिबे इल्मों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। 1940 के रेजोल्यूशन की वजह से हम पाकिस्तान में शामिल हुए थे, उसके तहत हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। हमारे आइलैंड्स छीन लिए गए हैं, हमारे पास जमीनें बंजर हो गई हैं, हमारी माएं अपने बच्चे बेचने पे मजबूर कर दी गई हैं। सिंध के शाहराओं पर फकीरों का हुजूम है, हमारे मां बहन और बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। और दूसरी जानब ये करप्ट लोग, ये कतार लोग, ये एनआरओ के कदमों तले जूते चाटने वाले लोग मुल्क को अमेरिका का गुलाम बनाने पर उसमें तुलम में बैठे हैं।
बीबी जिंदा है। अरे तो नौकरी लखों रुपए में बंद कर, टीचर की नौकरी लखों रुपए में पुलिस वालों, जिंदा है बीबी जिंदा है। तो पानी का सौदा करे करो, जिंदा है बीबी जिंदा है। तो दहशत का बन जाके हाथों पिटा करे करो, जिंदा है बीबी जिंदा है। बीबी जिंदा तभी कौन का रखो, बीबी का पर अच्छी आयो लखे बीबी पसंद है, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप इंकलाबी हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं या सिंध परस्त हैं। मैंने उनको कहा, आज रिपीट करता हूं कि अगर पाकिस्तान परस्त होने का मकसद जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाबजादा नसरुल्लाह खान होना है तो हम पाकिस्तान परस्त हैं। अगर इंकलाबी होने का मकसद नासिर बलोच, लाला असद, अया समो होना है तो इंकलाबी है। अगर लेफ्टिस्ट होने का मकसद शहीद फजल राहू, नवाज कंडारी, नजीर अब्बासी, आसिफ जुले जो होना है तो हां हम लेफ्टिस्ट हैं। अरे हम ही तो हैं, अरे असी तो आए हूं जिनसा अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ खलील जो कराची में अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम लॉन्ग मार्च और उसके अख्ताम पर मनाकिदा जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि हम पूरे मुल्क को ये दावत देते हैं, तमाम ज़बानें बोलने वालों को, कि पाकिस्तान के बका की जंग हमने मिलकर लड़नी है और हमारे जो हकूक हैं हम उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये चलते इस पैदल मार्च के मुतालिक आपको मसीद भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन जियो न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।